बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने करैक्टर आयो फंक्शन में एफ गेट सी फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम करैक्टर आयो फंक्शन का दूसरा फंक्शन एफ पुट सी फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर आप जानते हैं कि हमारा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है, और फाइल हैंडलिंग में हम दरअसल दो मेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। यानी हम फाइल पर कुछ रीड करवा रहे होते हैं, यानी फाइल पर कुछ डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं, जिसको फाइल राइटिंग भी कहा जाता है, और फाइल से कोई डेटा रीड कर रहे होते हैं यानी निकाल रहे होते हैं, जिसको फाइल रीडिंग भी कहा जाता है। और दोस्तों, इन्हीं दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सी आपको कुछ आयो फंक्शंस प्रोवाइड करती है। पहला फंक्शन है कैरेक्टर आयो फंक्शन, उसके बाद है स्ट्रिंग आयो फंक्शन, और आखिर में है फॉर्मेटेड आयो फंक्शन। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। कैरेक्टर आयो फंक्शन, दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखिए। The character IO function are used when we want to write single character onto the file or we want to read single character from the file. यानी जब कभी भी आप हार्ड डिस्क में रखी किसी फाइल में से सिंगल करेक्टर यानी सिर्फ एक करेक्टर को फाइल पर से रीड करना चाहते हैं, या फिर किसी एक करेक्टर को फाइल पर से निकालना चाहते हैं, तो फिर आप करेक्टर IO function का यूज करेंगे। और दोस्तों, सी आपको दो तरह के करेक्टर IO function प्रोवाइड करती है, एफ गेट सी फंक्शन और एफ पुट सी फंक्शन। दोस्तों, एफ गेट सी फंक्शन को हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आइए एफ पुट सी फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पुट से मुराद है फाइल में डेटा को पुट करना यानी डालना, यानी फाइल में डेटा को राइट करना, और सी से मुराद है सिंगल करेक्टर। यानी ये जो पुट सी फंक्शन है, ये सिंगल करेक्टर को फाइल में राइट करने के लिए, फाइल में डालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसका सिंटैक्स देखिए। आप सबसे पहले एक ch वेरिएबल को इनपुट लेंगे यूजर से, उसके बाद f put c फंक्शन लिखेंगे, यानी f put c लिखेंगे, उसके बाद parenthesis में आप लिखेंगे चार वेरिएबल, यानी ch वेरिएबल को जो आपने यहाँ से यूजर से इनपुट लिया होगा, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद फाइल पॉइंटर, और उसके बाद parenthesis, और आखिर में सेमीकॉलन लगा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस सिंटैक्स पर गौर करें तो यहाँ हमने एफ पुट सी फंक्शन में दो पैरामीटर्स पास करवाए हैं, चार वेरिएबल और फाइल पॉइंटर। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने चार वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये वो वेरिएबल होगा जिसमें हमने उस करेक्टर को रखा हुआ होगा जो हमें फाइल में राइट करवाना है, फाइल में डालना है, और सेकंड पैरामीटर है फाइल पॉइंटर। तो डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए हम यहाँ फाइल पॉइंटर नहीं लिखते तो क्या होगा। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि एफ पुट सी फंक्शन फाइल में एक करेक्टर राइट करता है, तो साथ के साथ आपने इस चार वेरिएबल के जरिए यानी इस पहले पैरामीटर के जरिए वो करेक्टर भी आपने एफ पुट सी फंक्शन को बता दिया जो आप फाइल पर राइट करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, एफ पुट सी फंक्शन के पास करेक्टर तो मौजूद है, लेकिन अब उसे ये भी तो बताना पड़ेगा कि उसे हार्ड डिस्क में रखी कौन सी फाइल में इस करेक्टर को डालना है, इस करेक्टर को राइट करना है, और इसके लिए हम फाइल पॉइंटर को यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि फाइल पॉइंटर दरअसल उस फाइल को पॉइंट कर रहा होता है जिस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। इसीलिए अब एफ पुट सी फंक्शन के पास डेटा भी है और फाइल भी है, तो वो इजीली इस डेटा को डाल देगा फाइल के अंदर। और डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सिंटेक्स में एफ पुट सी फंक्शन की स्टेटमेंट से पहले एक स्टेटमेंट लिखी है, सी एच इक्वल्स टू गेट चक। तो इस स्टेटमेंट के जरिए आप यूजर से एक करेक्टर गेट करेंगे और उस करेक्टर को डाल देंगे इस सी एच वेरिएबल के अंदर, और अब इस सी एच वेरिएबल के अंदर जो भी करेक्टर है वो आप इस एफ पुट सी फंक्शन को दे देंगे, जिसके थ्रू एफ पुट सी फंक्शन इस वेरिएबल में रखी वैल्यू को पास कर देगा फाइल पॉइंटर के थ्रू उस फाइल को जिस पर आप डेटा को राइट करवाना चाहते हैं। आइए आप एक प्रोग्राम के थ्रू इस एफ पुट सी फंक्शन को मजीद डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है जिसमें हमने एक सी एच वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यानी एक चार टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर किया है क्यूब, ताकि यूजर से हम इस वेरिएबल के अंदर डेटा को इनपुट ले सके। इसके बाद हमने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है, इसके बाद हमने फाइल को ओपन किया है, और अब क्योंकि हम फाइल पर डेटा को राइट करवाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उस फाइल का नाम देंगे जिस पर हम डेटा को राइट करवाना चाहते हैं, और कॉमा के बाद हम मोड देंगे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर फाइल पर डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर W लिखा है। और क्योंकि दोस्तों, अगर ये फाइल मौजूद नहीं भी है तो तब भी आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है वो क्रिएट कर देगा, तो यहाँ पर आपको इफ वाली स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि जिसके थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि फाइल मौजूद है भी या नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर
अगर आपकी फाइल मौजूद नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा, और अगर मौजूद है तो उसमें से डाटा को मिटाकर आप जो डाटा राइट करेंगे वो लिखना शुरू कर देगा। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपने लिखा ch equals to getcha, और इस स्टेटमेंट के थ्रू आपने यूजर से आप एक करेक्टर इनपुट लेंगे और वो करेक्टर आपका सेव हो जाएगा इस ch के अंदर। इसके बाद दोस्तों हमने fputc फंक्शन लिखा है, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने दो पैरामीटर पास करे हैं, ch वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डाटा रखा हुआ है, जिसके अंदर हमारा करेक्टर रखा हुआ है, और कॉमा के बाद फाइल पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा उस फाइल को जिस पर आप डाटा को राइट करवाना चाहते हैं, और आखिर में जब ये राइट हो जाएगा डाटा तो आप इस फाइल को क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप करेक्टर को इनपुट करें, तो यहाँ पर हम करेक्टर इनपुट करते हैं एफ और उसके बाद एंटर कर देते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर तो पता नहीं लगा कि फाइल में डाटा राइट हुआ है या नहीं, लेकिन अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। याद रखिए हमने यहाँ पर यूजर ने एफ इनपुट किया था, यानी इस सी एच वेरिएबल के अंदर एफ आ गया है, और अब ये एफ फाइल के अंदर आपके स्टोर हो जाना चाहिए, राइट हो जाना चाहिए। अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं क्योंकि ये क्रिएट हो चुकी होगी, डाटा डॉट टी एक्स टी हम ओपन लिखेंगे। ओपन लिखने के बाद हम लिखेंगे डाटा, तो ये आपके पास लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों ये डाटा डॉट टी एक्स टी फाइल है जिसके ऊपर डाटा राइट हो गया है, करेक्टर राइट हो गया है एफ, यानी एफ पुटसी फंक्शन ने सक्सेसफुली जो है इस करेक्टर को राइट करवा दिया है आपकी फाइल के अंदर। और डियर फ्रेंड्स अगर आप इस प्रोग्राम पर गौर करें तो यहाँ आप सिर्फ एक करेक्टर को ही फाइल पर राइट करवा सकते हैं, और अब अगर आप मल्टीपल करेक्टर्स को फाइल पर राइट करवाना चाहते हैं तो अब आप इस एफ पुटसी फंक्शन को लूप में रखेंगे, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि यूजर एंटर की प्रेस ना कर दे, और इसीलिए हम इसके कोड को कुछ इस तरह से कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने डूवाइल लूप का इजाफा किया है, और अब डियर फ्रेंड्स आप यूजर से एक करेक्टर इनपुट लेंगे, एक करेक्टर गेट करेंगे, उसको सी एच वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और फिर एफ पुटसी स्टेटमेंट के थ्रू इस करेक्टर को फाइल पर डाल देंगे। और ये प्रोसीजर जो है, यानी ये जो आपका प्रोसीजर है करेक्टर को राइट करने का, ये तब तक चलता रहेगा, तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि यूजर एंटर की प्रेस ना कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका बैक स्लैश एन आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटर की को, और यूजर के एंटर की प्रेस करते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका प्रोसीजर है आप तब तक के करेक्टर्स को इनपुट ले सकते हैं जब तक कि आप एंटर की प्रेस ना कर दे, तो मैं यहाँ लिखूंगी आर ए बी आई ए एम ए के टी ए बी, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो मैंने करेक्टर प्रेस किया है वो एक एंटर की है, तो अब ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या हमारा जो डाटा है वो एक से ज्यादा हम जो डाटा है वो अपनी फाइल के ऊपर स्टोर करवा चुके हैं। ये देखिए दोस्तों ये डाटा डॉट टी एक्स टी फाइल जिस पर हमने एक करेक्टर जो है वो प्लेस करवाया था, एक करेक्टर राइट करवाया था एफ, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा था आर ए बी आई ए एम ए के टी ए बी इसके ऊपर राइट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप मल्टीपल करेक्टर्स जो हैं वो वन बाय वन अपनी फाइल के ऊपर राइट करवाना चाहते हैं तो आप लूपिंग के थ्रू भी ये कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ जिसमें हमने सीखा कि एफ पुटसी फंक्शन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। अगले लेक्चर में हम स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।